कीड़े दिखाई पड़ रहे होंगे, ये कीड़े कोई मामूली कीड़े नहीं है। मलबरी कीड़ा कहा जाता है इसको, हम लोग इसको कोसा कहते हैं, लेकिन ये कीड़े का घर है। दो दिन में 24 से 48 घंटे में अपने आप को पूरा कवर अप कर लेता है, यानी कोसा तैयार कर देता है। इसमें बहुत ज्यादा धागा निकलता है, 2000 मीटर लंबाई सिंगल लेयर में। इससे कई गुने, कई गुना ये इसमें कितनी कमाई हो जाती होगी लगभग? इस पेड़ में जो कीड़ा है, ये जो बड़े बड़े कीड़े दिखाई पड़ रहे हैं, हाँ ये टसर का कीड़ा है। तीसरे नंबर का मशीन वेट ड्रिलिंग मशीन है, उसमें भी साबुत कोसे से ही धागा निकाला जाता है और बहुत महंगा होता है, इसलिए आम लोग इसको नहीं पहनते। अधिकांश जो बड़े लोग होते हैं वो लोग इसको पहनते हैं। हाँ। आपको ये कीड़े दिखाई पड़ रहे होंगे, ये कीड़े कोई मामूली कीड़े नहीं है। इन कीड़ों से कपड़े बनाए जाते हैं, साड़ियाँ बनाई जाती है, कोट बनाए जाते हैं। ये वही कीड़े हैं जिन कीड़ों से कपड़े जो बनते हैं उन्हें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक पहनते हैं, ये वही कीड़े हैं। तो इस कीड़े से कपड़े बनने की पूरी कहानी क्या है मैं आपको बताऊंगा, कैसे कपड़े बनाए जाते हैं कीड़े से। भैया ये कीड़े हैं, क्या नाम है इस कीड़े का? मलबरी कीड़ा कहा जाता है इसको, मलबरी कीड़ा कहते हैं। हाँ हाँ ऐसा। और इस कीड़े से कैसे कपड़े बनाए जाते हैं? ये कीड़े जो है ना कोसा बनाते हैं, अपने मुँह से धागा निकाल करके अपने आप को कवर अप करते हैं। हम लोग इसे कोसा कहते हैं, लेकिन वास्तविक में कहा जाए तो ये कीड़े का घर है। ऐसा हम लोग इसको, अच्छा कवच है ये, हम लोग इसको कोसा कहते हैं, लेकिन ये कीड़े का घर है। घर है, हाँ। तो ये अपने मुंह से धागा निकाल के एंटी क्रॉस वाइट अपने आप को कवर अप कर देता है इसमें, और कवर अप करने के बाद में इसके अंदर में 20 दिन तक प्यूपा के रूप में अंदर में रहता है। हाँ। बाद में वही प्यूपा बटरफ्लाई में डेवलप होके बाहर आ जाता है ना। उसके बाद में क्या है, वो अंडे देता है 200 से 300 अंडे एक तितली। उसके बाद में वो तितली जो है मर जाती है, वो उनका ना लाइफ का स्टेज जो है लास्ट है, आखिरी स्टेज है। तो ये कीड़े जो हैं एक महीने में कोसा बनाना तैयार कर देते हैं। जैसे ये देखिए, ये शहतूत की पत्तियां खाते हैं, ये पत्तियां, हाँ ये कीड़े जो है पत्तियां खाते हैं, पत्तियां खाते हैं शहतूत की, शहतूत की पत्तियां खाते हैं। और ये कीड़े जो है घर में ही पाला जाता है, घर में प्लास्टिक ट्रे में या तो ऐसा शेड बना के इसको पाला जाता है। एक ऐसा मतलब जो खेतों में पेड़ों में जो कोसा होता है वो कोसे से अलग कोसा है? कोसा वो अलग कोसा है, टसर कोसा आपका। ऐसा वो अलग कोसा है? हाँ, हाँ। ये वाला घर के अंदर में पाला जाता है, पत्तियों को तोड़ के खिलाया जाता है। और ये 22 से 23 दिन में परिपक्व हो जाते हैं, तो उसको पके हुए कीड़े को यहाँ ला करके चंद्रिका में डाला जाता है। इसको चंद्रिका बोलते हैं? चंद्रिका बोलते हैं। तो क्या है, उसको गोल घूमने के लिए जगह मिलता है, मुड़ा मुड़ा है चंद्रिका, तो गोल घुमाने के लिए जगह मिलता है, फिर अपना कोसा धागा बनाने का चालू कर देता है। दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा एक कीड़ा ना, दो दिन में 24 से 48 घंटे में अपने आप को पूरा कवर अप कर लेता है, यानी कोसा तैयार कर देता है। क्या बात। हाँ ऐसा ऐसा, ये अलग अलग कलर में कोसा है हम लोग देख रहे हैं, ये सभी कोसा अलग अलग कलर। वो जो गुलाबी कलर का है वो तो हम लोगों ने किया हुआ है, बाकी ये जो नेचुरली है गुलाबी आपने किया है उसको? हाँ। और ये जो येलो है? हाँ, ये नेचुरली नेचुरल है। वाइट जो है नेचुरल है? नेचुरल है। ऐसा तो कितने कलर में आता है जैसे कोसे? दो कलर में ज़्यादा आता ये है। दो कलर में ज़्यादा आता है, तीसरा कलर है? हाँ वो वाला तो जंगलों का है, जंगलों ये दोनों मलबरी कोसा हो गया, ये वाला रैली कोसा है जो साल साजा वगैरह जो रहता है जंगलों में जो रहता है उसमें होता है। ये बहुत हार्ड होता है, बहुत कड़ा है ना, इसमें बहुत ज्यादा धागा निकलता है, 2000 मीटर लंबाई सिंगल लेयर में। इसे कई गुने, कई गुना। और इसमें जो है 1000 से 1500 मीटर की लंबाई सिंगल लेयर में, उतना लंबा धागा निकलता है। और इन्हीं कोसे से धागा मिलता है आपको रेशम का। जैसे धागा निकाल के दिखाएंगे क्या आप? वो धागा निकल रहा है मशीन से, उधर निकल रहा है। ये धागा पैक हो गए हैं? पैक हो गया, तैयार होकर दिखाने के लिए वो रखे हैं अभी यहाँ पे। इधर दिखलाइए भैया, इधर देखो लोगों की भीड़ लगी हुई है इसको देखने के लिए, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि आखिर भैया कीड़े से कैसे कपड़ा बनता है। ये बताओ, ये जब कीड़े से कपड़ा बनाने का प्रोसेस है, ये इसमें कितनी कमाई हो जाती होगी लगभग? बहुत कमाई होती है हमारे यहाँ तो, अभी ग्राही लोग जैसे निकालते हैं ना, तो प्रति हितग्राही जो है 40 से 50 हज़ार रुपये ना कमा लेते हैं। घर का काम करते करते सालाना सालाना तीन फसल में मात्र।
अच्छा, तीन फसल अलग अलग मतलब इनका सीजन रहता हो? हाँ, सीजन रहता है, तीन फसल मात्र निकलता है। तो अपने घर का काम भी करते हैं, कृमि पालन भी करते हैं, और ये एक्स्ट्रा एडवांस काम? एडवांस काम है ऐसे। हाँ, धागाकरण का काम तो क्या है, महिलाएं ट्रेनिंग लेने के बाद में स्वयं घर में ही निकाल सकती हैं। ककुन बैंक से कोसा खरीदे और खाना बनाते बनाते भी धागा निकाल लेते हैं, ऐसा है। हाँ, बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान है। इधर ये क्या क्या चीज है? ये टसर का कोसा है। कसर? हाँ, इसको, ये क्या होता है? इसको कौवा पेड़ में पाला जाता है, ये पालित कोसा है। हाँ, है ना। तो इसमें है इसका कीड़ा, देखिए। हाँ, ये पेड़ है, इस पेड़ में जो कीड़ा है, ये जो बड़े बड़े कीड़े दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, ये टसर का कीड़ा है, कसर कीड़ा बोलते हैं। हाँ, तो ये कीड़ा जो है ये वाला कोसा तैयार करता है, ऐसा। हाँ, ठीक। तो उसके बाद ये प्रोसेस आप दिखाएं, ये क्या क्या चीजें हैं? उसके बाद में जो है मशीन, बुनियादी मशीन है। क्या मशीन है? बुनियादी मशीन, इसका नाम है बुनियादी। हाँ हाँ, तो इसमें जो साबुत कोसे का धागा निकलता है, अच्छा साइन धागा, पतला वाला। कोसे को कैसे करते हैं उसमें? तो धागा बॉयल किया जाता है, उसको उबाला जाता है, आधे घंटे तक पानी में बॉयल किया जाता है। हाँ, उसके बाद में क्या है, इजी हो जाता है, निकलते निकल पूरा साफ हो जाता है, निकल जाता है, बन जाता है धागा, ऐसा। और उसके बाद में सेकंड नंबर में वो जो है स्पिनिंग मशीन कहा जाता है, स्पिनिंग। हाँ, तो वो क्या है, जो तितली निकल गया होता है उस कोसे को उसमें से धागा निकाला जाता है, पोली कोसा कहते हैं उसको। तीसरे नंबर का मशीन वेट रीलिंग मशीन है, उसमें भी साबुत कोसे से ही धागा निकाला जाता है। लेकिन उसमें क्या है, जो टब पड़ा हुआ है उसमें गर्म पानी रहता है, उसमें कोसा यानी कि उसके पानी के ऊपर में ही रहते रहते ही धागा निकलता है, ऐसा। और इन सब का एकत्रित करने वाला मशीन वो लास्ट में पड़ा है, वो चरखा है। चरखा, जैसे धागा बनने के बाद में उसमें इकट्ठा करके उसको लच्छा तैयार किया जाता है। लच्छा तैयार होने के बाद में हमारा काम ख़त्म हो जाता है, वो धागा जो है व्यापारियों को दे दिया जाता है, और उससे वो व्यापारी जो है अपना कपड़ा बनाते हैं। वो वाला हैंडलूम मशीन है वो सामने में आपके, उसी में से कपड़ा बनता है। तो यही कोसा है जिस कोसा को लेकर गाना बना है, और इस कोसे की खूब डिमांड है। देश के प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़ी बड़ी हस्ती इन कपड़ों को पहनते हैं, और बहुत महंगा होता है, इसलिए आम लोग इसको नहीं पहनते। अधिकांश जो बड़े लोग होते हैं वो लोग इसको पहनते हैं। हाँ, ये मिनिमम 5,000 से आप कितना भी ले लो, ऐसा 5,000 से इसकी शुरुआत होती है और ये लाखों तक जाती है। आपको ये पूरी कहानी कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। हमने बताया कि कीड़े से कैसे कोसा बनाया जाता है, और कुछ सुझाव होगा वो भी दे दीजिएगा। ऐसी कहानी आपके आसपास होगी वो कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उस कहानी को आप तक पहुँचाने की।